फ्रेंड्स मैंने इस मास्क को पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो 10 मिनट तक मुझे इसको ऐसे फेस पे लगा के रखना है और 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि मेरे फेस से कितने ब्लैक हेड्स कील मुहां से बाहर निकल के आते हैं और मेरा फेस कितना वाइट एंड ब्राइट होता है इसको यूज़ करने के बाद। ओह माय गॉड, हाय एवरीवन। तो एक चीज़ का मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी और वो है ये जादुई मैजिकल ग्रीन टी मास्क स्टिक, जो कि मुझे फाइनली रिसीव हो चुका है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसका कंप्लीट रिव्यू प्लस डेमो। जी हाँ, आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि ये मास्क एक्चुअली में वर्क करता है या नहीं करता है, आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, कहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं, इसका प्राइस क्या है, कैसे ये यूज़ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है ना कि ये ग्रीन टी मास्क स्टिक क्या है, उनको मैं बता दूं कि ये एक ऐसा मैजिकल जादुई स्टिक मास्क है जिसने इंटरनेट पे तहलका मचा रखा है। हर कोई इसको खरीद खरीद के यूज़ कर रहा है और देखो मैं भी इसको ख़रीदने में मजबूर हो गई। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये मास्क क्या दावे करता है। तो इस मास्क का दावा ये है कि इसे फेस पर अप्लाई करने के बाद आपके फेस में जितने भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, कील, मुहासे, डस्ट, इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब कुछ उभर कर बाहर आ जाएंगे। जिसे आप क्लीन करेंगे तो आपको एक क्लियर वाइट एंड ब्राइट स्किन मिलेगी। चेहरे में अगर लार्ज ओपन पोर्स हैं तो वो श्रिंक हो जाएंगे, पिम्पल्स हैं या पिम्पल के निशान हैं वो मिट जाएंगे, चेहरे में कितने भी पुराने और बड़े गड्ढे हैं वो भी भर जाएंगे, किसी भी तरह का डिस्कलरेशन अगर है आपके चेहरे में, कहीं पे काली कहीं पे गोरी स्किन, तो वो भी इवन हो जाएगी। एंड फाइनली इसको यूज़ करने के बाद आपको मिलती है एक क्लियर फ्लॉलेस वाइट ब्राइट और बेबी सॉफ्ट स्किन। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकली इन वायरल वीडियोस में और इनमें किए जाने वाले क्लेम्स में कितनी सच्चाई है ये चेक करने के लिए मैं इस स्टिक मास्क को अपने फेस में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी प्राइस, पैकेजिंग और कहां से आप इसे ख़रीद सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे देती हूं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है ग्रीन मास्क स्टिक, ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। बाहर से ये कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर के कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक होकर आया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन टी केयर ऑयल कंट्रोल क्लीनिंग मास्क स्टिक। एंड इसके नीचे फिर कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा है एंड आई रियली डोंट नो चाइनीज़ लैंग्वेज। अगर आपको आती है तो आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एंड बैक साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी चाइनीज़ में ही दी गई है, जो कि मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है। सो एनीवेज, आउटर पैकेजिंग देख के आप समझ गए होंगे कि ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है और ग्रीन टी इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया था पहले, जब ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया था तो ऑनलाइन भी ये इजीली नहीं मिल पा रहा था क्योंकि तब ये चाइना से ही एक्सपोर्ट होकर आ रहा था। ऑल्सो इसका डिलीवरी चार्ज भी बहुत ज़्यादा था उस वक्त। इसका टोटल प्राइस जो था वो लगभग 1000 रुपये था, बट अब इंडिया में ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया है तो हर कोई इसको ख़रीद रहा है, तो इसलिए इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं एंड अलग अलग ब्रांड अब इस स्टिक को सेल कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड इस स्टिक को बना रही है और इसका प्राइस भी अब बहुत ही रिजनेबल हो गया है। मुझे अभी ये 340 रुपये का पड़ा था, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। और इसकी क्वान्टिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये 40 ग्राम की ये प्रोडक्ट है। बेसिकली ये एक फेस मास्क है जो कि स्टिक फॉर्म में है। यूजुअली जो फेस मास्क होते हैं या तो पाउडर फॉर्म में होते हैं या फिर क्रीम फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे इसको इजी टू अप्लाई करने के लिए स्टिक फॉर्म में बनाया गया है। तो जब आप इसकी कैप ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक प्रोटेक्टिंग कैप और मिलती है, तो जिसको आपको इस तरीके से रिमूव करना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोटेट हेड के साथ है, यानी कि प्रोडक्ट आपको जस्ट इसको ऐसे रोल ऑन करके प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। कलर आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर का है प्रोडक्ट। फ्रेगनेंस की अगर मैं बात करूं तो एक फ्रेशनेस इसके फ्रेगनेंस में है, जैसे लिरिल और हमाम सोप में एक फ्रेगनेंस होती है, एक खुशबू होती है, कुछ उस तरीके से इसकी खुशबू है। तो अब मैं इसको अपने फेस में आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इसको इसी तरीके से डायरेक्ट पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसका टेक्स्चर बहुत स्मूथ है, क्रीमी टेक्स्चर है, बहुत ही ईजिली पूरे फेस में स्मूथली अप्लाई हो रहा है और एक ठंडक सी फेस में जो कूलिंग इफेक्ट है वो इससे आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने इस मास्क को पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं।
तो 10 मिनट तक मुझे इसको ऐसे फेस पे लगा के रखना है और 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि मेरे फेस से कितने ब्लैक हेड्स कील मुहां से बाहर निकल के आते हैं और मेरा फेस कितना वाइट एंड ब्राइट होता है इसको यूज़ करने के बाद। तो मिलते हैं आफ्टर 10 मिनट्स। ओ माई गॉड, मेरे फेस में इतने ज़्यादा ब्लैक हेड्स थे, मुझे तो पता ही नहीं था। गाइज ये सच में काम करता है। लिया है कि इस मास्क को लगाने के बाद मेरे जो भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड, डस्ट, इम्प्योरिटी थी वो सारी बाहर उभर के आ चुकी है। तो अब मैं आपको अपने स्किन का अंदर का हाल दिखाती हूँ कि अंदर मेरी स्किन कितनी वाइट, ब्राइट एंड फ्लॉलेस हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस मास्क को पहले वेट टिश्यू से निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, ये मेरे स्किन से बिल्कुल चिपक गया था। फिर मैंने यहाँ पे टॉवल गीला करके इसको रगड़ रगड़ के निकाला है और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस भी बिल्कुल रेड हो चुका है। और अब आप देख लीजिए इसका रिज़ल्ट क्या निकला है। वैसे तो मेरी स्किन जैसी थी वैसी है, ना तो वाइट हुई ना ब्राइट हुई और ना ही मेरे पोर्स श्रिंक हुए। आप देख सकते हैं कि कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है मेरे फेस में। इनफैक्ट मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है और एक जैसे चूना लगा दिया होगा फेस में, वैसी एक लेयर सी बन गई है और जो बहुत ही ईजिली निकल भी नहीं रही है। ये मास्क जो है वो फेस से बहुत इजीली रिमूव भी नहीं हो रहा है। हेड्स कहाँ से आए? तो फ्रेंड्स ये ब्लैक हेड्स नहीं है, ना ही कोई डस्ट है, ना ही कोई इम्प्योरिटी है। ये है ये चिया सीड्स जो कि मैंने इसमें लगाए थे। जब मुझे 10 मिनट के बाद लगा कि मेरे फेस में कुछ भी उभर के नहीं आ रहा है तो मैंने ये चिया सीड्स लगाए थे क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फाइनली मुझे आपको ये प्रूफ करना था कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो जो भी उस वायरल वीडियो में फेस मास्क को अप्लाई करने के बाद आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इम्प्योरिटी, डस्ट दिखाया जाता है वो एक्चुअल में चिया सीड्स ही होते हैं और कुछ उनकी एडिटिंग होती है फोटोशॉप वगैरह करके, आपको ऐसा लगता है कि उनकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस, ग्लोइंग और फेयर हो गई है इसको फेस मास्क यूज़ करने के बाद। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये प्रोडक्ट, ये स्टिक मास्क ऐसा कुछ भी नहीं करता जो इसके वायरल वीडियोस में दिखाया जाता है। ये उनकी सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने की। इससे पहले भी मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से डीपली रिसर्च करके एक वीडियो बनाया था जब ये प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल नया आया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदना सिर्फ पैसों की बर्बादी है, ये एक वर्थलेस प्रोडक्ट है। लेकिन वीडियो देखने के बाद मेरे पास कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स है ही नहीं तो फिर आप कैसे किसी प्रोडक्ट को वर्थलेस बोल सकती हैं। तो आज तो मेरे पास प्रोडक्ट भी है और प्रूफ भी। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें।